समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर आज के समय में इंसान के लिए चाय और नाश्ते के साथ लिया जाने वाला आहार बन चुका है। सुबह से उठते ही घर बैठे इंसान देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ जान लेना चाहता है। जब से दुनिया डिजिटल हुई है तब से न्यूज़पेपर और अखबार की जगह डिजिटल खबरों ने ले ली है, लेकिन फिर भी कागज़ पर छपने वाली खबरों को रिप्लेस नहीं किया जा सका। न्यूज़पेपर इंसान की दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। एक बड़े वर्ग की तो मानो बिना अखबार के सुबह ही नहीं होती। जैसे कि जब तक वो न्यूज़पेपर ना पढ़ लें तब तक ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में कोई विटामिन की कमी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे हुई, किसके दिमाग में पहली बार खबरों को कागज पर छापने की उत्सुकता जागी और कैसे इसने देश दुनिया में अपने पैर फैलाए। जानेंगे अखबार यानी कि न्यूज़पेपर की रोचक कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए कि समाचार पत्र आखिर है क्या, तो समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें हमें देश दुनिया की खबरें एक कागज के टुकड़े पर मिल जाती हैं और हम घर बैठे देश दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है सब जान लेते हैं। इसे मनोरंजक बनाने के लिए इसमें फोटो, चित्रों और कार्टूनों का सहारा भी लिया जाता है ताकि इसे आकर्षित बनाया जा सके, और पैसा कमाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। अपने विज्ञापनों को घर घर तक पहुंचाने का सबसे सरल और अच्छा तरीका न्यूज़पेपर ही है, और यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विज्ञापन अखबारों में छपवाने के लिए भर भर कर पैसा देती हैं। अखबार लगातार दिन दुगनी और रात चौगुनी कर रहा है। दुनिया के अगर पहले अखबार की बात की जाए तो वह रोम में छपा था, जिसका नाम था द रोमन एक्टा डियोर्ना, और इसे जूलियस सीजर नाम के एक व्यक्ति ने छापा था। उसने अपने कुछ खास लोगों के लिए कुछ जानकारी देने के लिए एक तख्ती का इस्तेमाल किया और उस पर कुछ लिखकर भेजा। हालांकि वो आज की तरह दिखने वाले अखबारों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, उसने इस पर हाथ से लिखा था। एक लंबे समय तक किसी ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और कभी कभार लोग इस तरह के पत्थरों और लकड़ी की तख्तियों का उपयोग सूचना भेजने के लिए करते रहते थे। हालांकि यह कोई दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, इसे किसी खास मौके पर ही लिखा जाता था। राजा की किसी विशेष घोषणा या किसी राजनीतिक फरमान को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध के बारे में जानकारी देने और जनता को राजनीतिक मुद्दों से अवगत कराने के लिए इन पत्रों को लिखा जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो यह सूचना किसी पत्थर की पट्टी या लकड़ी की तख्ती पर ही लिखी जाती थी। राजा के फरमानों को किसी पत्थर पर लिखकर उन्हें किसी खास जगह पर रख दिया जाता था ताकि आम लोग उसे पढ़ सकें। लकड़ी की तख्ती बनाकर उन्हें चौराहे पर टांग दिया जाता था ताकि आने जाने वाले लोग उसे पढ़ सकें, और यह तभी किया जाता था जब कोई खास अवसर या कोई महत्वपूर्ण घटना घटती थी। 8वीं शताब्दी तक चीन में कागज के आविष्कार के बाद कागज पर खबरें छपने लगीं, लेकिन तरीका नहीं बदला, बस पत्थर और लकड़ी की जगह कागज ने ले ली और अब कागज पर कुछ खास जानकारी लिखकर उन्हें चौराहे पर टांगा जाने लगा। चूंकि इन कागजों के टुकड़े छोटे हुआ करते थे और लिखना भी हाथ से पड़ता था, इसलिए इन पर वही जानकारी लिखी जाती थी जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती थी। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के रहने वाले गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कर दिया था। हालांकि यह आज की तरह दिखने वाली मशीन बिल्कुल नहीं थी। इसके द्वारा कुछ अक्षरों को स्याही में डुबोकर कागज पर छपाई की जाती थी, जो कि बहुत कठिन काम था, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद अखबारों के साथ साथ किताबों का भी प्रकाशन होने लगा और जिसने छापने की तकनीक में क्रांति ला दी। 16वीं शताब्दी में यूरोप के शहर स्टनबर्ग में जोहानसन कार्लोस नाम का एक व्यापारी था जो कि अमीर लोगों के लिए खबरें छापता था, या यूं कहें कि विज्ञापन बनाता था ताकि आम लोगों में अमीर लोगों की खास जानकारी पहुंचाई जा सके। लेकिन यह काम बहुत कठिन था और एक समय बाद उसके पास बहुत ज़्यादा काम आने लगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। एक समय ऐसा आया जब उसके पास काम बहुत ज़्यादा आने लगा और वह उसे कर नहीं पा रहा था, तो उसने अखबार छापने वाली मशीन खरीद ली और समाचार पत्र छापने लगा। उसने अपना खुद का समाचार पत्र छापा जिसका नाम रखा रिलेशन। इस प्रकार रिलेशन दुनिया का पहला मुद्रित समाचार पत्र बना
और इसके बाद ही मशीन के द्वारा समाचार पत्र छापने की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में धीरे धीरे न्यूज़पेपर मशीन से छपने लगे और आज ये देश दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज के समय में न्यूज़पेपर यानी कि अखबार के बिना लोगों की सुबह ही नहीं होती। तो यह थी दुनिया के पहले न्यूज़पेपर बनने की कहानी। अब भारत में अखबार यानी कि न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पूरी रोचक कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ज्ञान थोड़ा हटके। धन्यवाद।